हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकी फाइट विद रानी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी रोटी। कैसे बनाते हैं आइए चलिए देखते हैं। मैंने यह आटा लिया है और आटे में मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, एक साथ नहीं डालूंगी, मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी फिर गूंदूंगी। अब आप अपने हिसाब से पानी डालें ताकि आटा ज़्यादा मोटा या पतला ना हो जाए। मैं यहाँ पानी ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए नहीं डाल रही हूँ ताकि आटा पतला ना हो जाए। यहाँ पे मैं रोटी के लिए आटा बना रही हूँ तो ज़्यादा मोटा नहीं कर रही हूँ और ना ज़्यादा पतला कर रही हूँ। पूड़ी के जब हम करेंगे तो हम टाइट आटा गूंदेंगे और पराठे के लिए करेंगे तो नॉर्मल कर। पूड़ी के लिए टाइट आटा इसलिए गूंदा जाता है क्योंकि वो बिना सूखे आटे के बनाई जाती है। थोड़ा थोड़ा पानी डालें और आटे को अच्छे से चिकना कर लेंगे। आटे को तब तक अच्छे से गूंदें जब हम रोटी बनाएं तो उसमें कोई भी दरार नहीं आनी चाहिए। इतने अच्छे से आटा गूंदा होना चाहिए। डो अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं 4 से 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही ढक कर रख दूंगी ताकि डो अच्छे से फूल जाए। आप चाहें तो तुरंत भी रोटी बना सकती हैं। मैंने यहाँ तवा ले लिया और गैस ऑन कर देती हूँ ताकि तवा गर्म हो जाए। मैं यहाँ एक छोटी सी लोई लूँगी और अपने हाथ पे अच्छे से रोल करूँगी। ये देखिए कैसे मैं कर रही हूँ गोल गोल। ये देखिए मैंने कैसी लोई बनाई है, कोई भी दरारें दिख रही हैं आपको? नहीं ना, आपको भी ऐसे ही लोई बनानी है। मैंने यहाँ लोई को गोल कर लिया है। अब मैं इसे सूखे आटे में डालकर बेलूँगी। मैंने बेलन को एक तरफ से टाइट से पकड़ा है और एक तरफ से हल्के हाथ से पकड़ा है। मैं इसके कोनों को अच्छे से पतला करूँगी चारों तरफ से, ये देखिए, और अच्छे से गोल कर दूंगी। इसके कोने में गोल कर रही हूँ, देखिए यहाँ इस साइड से और अब इस साइड से। ये देखिए गोल होती जा रही है हमारी रोटी। मैंने यहाँ गैस पहले ही ऑन कर दी थी ताकि रोटी अच्छे से सिक जाए। यह हमारी रोटी तैयार है। अब मैं इसको ऐसे करके अपने हाथ से आटा झाड़ देती हूँ। अगर इसमें आटा लगा रहेगा तो आपकी रोटी सूखी हो जाएगी। ये देखिए पीछे हमारी रोटी में स्पॉट्स आ गए हैं। हमारी रोटी अब गैस पे आने के लिए तैयार है। ये देखिए कैसे फूल रही है हमारी रोटी। आप 2-3 सेकंड के लिए इसे पलटते रहिए, एक जगह रखेंगे तो जल जाएगी। यहाँ हमारी रोटी बनके तैयार है। अब मैं अच्छे स्वाद के लिए इस पे देसी घी लगा देती हूँ।